सिख्या सटरीटा जो किताबों विच पढ़िया नहीं, तिनका औकात सी पहाड़ा नाल लड़िया नहीं, गेंदिया शिखर छेड़ी थाओ तो आ खड़िया, जो खिच देने लता केंदे साडे सिरों चढ़िया नहीं। सिद्धू की लिखी हुई इन लाइन्स का मतलब है कि सीखा हूं गली से, किताबों से नहीं पढ़ा, तिनका थी औकात मेरी और पहाड़ों से जड़ लड़ा। कहते हैं शिखर उसे जिस जगह पर हूं खड़ा, और टांगे खींचने वाले कहते हैं हमारी वजह से है चढ़ा। ये लाइन्स सिद्धू मूसेवाला की लाइफ पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। इनमें से अगर आप इस लाइन पर गौर करेंगे कि तिनका थी औकात और पहाड़ों से जा लड़ा, इसमें आपको सिद्धू का बचपन नजर आएगा। जैसे हर इंसान का बचपन में कुछ ड्रीम होता है ना, कि हम कुछ अलग करें, एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करें, सफलता पाए, कुछ नया करें, दुनिया से हट कर करें, दुनिया से ऊपर जाएं। लेकिन अफसोस, अपने पैशन को फॉलो करने का चांस बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। लोग म्यूजिशियन, डांसर, स्पोर्ट्स प्लेयर या आर्टिस्ट या कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन बन जाते हैं फिक्स्ड सैलरी के साथ 9 to 5 की जॉब में ही खुश रहने वाले कॉमन मैन। जब हम अपने बड़े बड़े ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं ना, तो लोग हम पर हंसते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं। बचपन के ड्रीम्स को बहुत ही कम लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, एक दिन वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। सिद्धू मूसेवाला एक बहुत ही सिंपल फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करने की आग उनमें कहीं ज्यादा थी। आइए बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला के बचपन के बारे में। शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला का जन्म पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मानसा में एक छोटे से गांव मूसा में हुआ था। 11 जून 1993 एक जट सिख फैमिली में हुआ था। सिद्धू मूसेवाला के पिता भोला सिंह सिद्धू एक आर्मी ऑफिसर थे। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स भी हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह ये चाहते थे कि शुभदीप पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उनके पिता हमेशा चाहते थे कि वो एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन उनका मन तो म्यूजिक की बीट्स में ही कहीं खोया रहता था। उन्हें बचपन से ही म्यूजिक का काफी शौक था, और वो हिप हॉप सॉन्ग सुनना बेहद पसंद करते थे। उन्होंने गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानसा से ही अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करी। अपने स्कूल टाइम में ही उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था। बचपन में उन्हें एक्टिंग करने का भी बहुत शौक था। सिद्धू मूसेवाला बचपन में काफी शांत और शाय किस्म के बच्चे थे। वो अपने पेरेंट्स की हर बात मानते थे। उनके पिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब सिद्धू मूसेवाला मानसा के विद्या भारती स्कूल में नर्सरी में गए ना, उनका एडमिशन हुआ, तो वहां पर कोई बस नहीं जाती थी, उनके पापा ही उन्हें स्कूटर में छोड़ने जाते थे। उस समय फायर डिपार्टमेंट में काम करते थे। एक दिन एक जगह आग लगने की वजह से वो सिद्धू को स्कूल नहीं छोड़ पाए। तब उस वक्त उन्होंने सोचा कि या तो बेटा पढ़ाई करेगा या तो मैं जॉब कर पाऊंगा। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को एक साइकिल खरीद के दी, जिसके बाद 12वीं तक वो रोज स्कूल साइकिल से ही जाते थे। वो तब रोज 24 किलोमीटर से भी ज्यादा साइकिल चलाते थे। सिद्धू मूसेवाला एक्चुअली काफी इंट्रोवर्ट थे। उन्हें अपने म्यूजिक और स्टडीज के अलावा किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। अगर आप सिद्धू मूसेवाला की बचपन की तस्वीरें देखेंगे, तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि लाखो फैंस में अपना जोश और एनर्जी भर देने वाला इतना मशहूर गायक इतना शाय है। सिद्धू मूसेवाला की माँ ने खुद कई इंटरव्यूज में बताया है कि वो अपनी माँ और पिता से पूछे बिना कभी भी कहीं बाहर नहीं जाती। बचपन में दूसरे बच्चों की तरह उन्हें शरारते करने नहीं आता था। उनके लिए घर ही उनकी फेवरेट जगह होती थी, और वो हर बात अपनी माँ से शेयर करते थे। उनके पिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कई बार तो वो अपने बेटे को पॉकेट मनी भी पूरी नहीं दे पाते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया था ताकि वे खुद काबिल बन सके। मूसेवाला ने 5th class से हिप हॉप सॉन्ग सुनना शुरू कर दिया था, और मूसेवाला का म्यूजिक में इंटरेस्ट उड़ कर उनके माँ बाप ने भी उन्हें एक म्यूजिक क्लास में भेजना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने लुधियाना के हरविंदर बिट्टू से म्यूजिक की ट्रेनिंग ली।
स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनके पेरेंट्स ने उनका एडमिशन गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में करा दिया। उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा म्यूज़िक में रहा। उन्होंने लुधियाना से बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। सिद्धू कॉलेज की फ्रेशर पार्टी से लेकर हर फंक्शन में परफॉर्म किया करते थे और अपने म्यूज़िक के ज़रिए सबका, अपने दोस्त हों या कोई और, दिल जीत लिया करते थे। ये तो हम सारे जानते ही हैं कि वो अपनी माँ के साथ एक बहुत ही स्पेशल सा बॉन्ड शेयर किया करते थे और इसको महसूस हमने उनके सॉन्ग डियर मामा में भी किया, जिसे उनके फैंस ने बहुत पसंद किया। उनके सॉन्ग बापू में उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके पिता ने इतना स्ट्रगल किया उनके लिए और उनकी सारी विशेस को पूरा किया। और उन्होंने अपने सॉन्ग में वहाँ ये भी कहा कि वो अब अपने पिता की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे। सिद्धू मूसेवाला वैसे अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उन्होंने अपनी दादी के कहने पर केश रखे थे। उनके पिता आर्मी में अपनी सर्विसेज दे चुके थे और एक एक्सीडेंट की वजह से उन्हें अपने केश कटवाने पड़े थे। उस एक्सीडेंट में उनके कान का पर्दा भी फट गया था और तभी से वो ठीक तरीके से सुन भी नहीं पाते थे। उनके पिता के केश कटवाने से उनकी दादी को बहुत दुख हुआ था। उनकी दादी ने उनसे कहा था कि वो केश ना कटवाए। सिद्धू ने अपनी पूरी लाइफ में अपनी दादी की इच्छा का सम्मान करते हुए कभी भी अपने केश नहीं कटवाए। उनकी माँ ने भी उनसे वादा लिया था कि वो कभी बालों पर कैंची नहीं चलाएंगे। अब बात करें मार्च 2021 की, जब सिद्धू मूसेवाला सोनम बाजपा के शो दिल दिया गल्ला में नजर आए थे। शो के दौरान सिद्धू ने अपने परिवार के साथ बॉन्डिंग पर खुल के बात की थी, जिसकी क्लिप उनकी डेथ के टाइम काफी वायरल हुई थी। सिद्धू ने बताया था कि जब भी वो किसी शो के लिए बाहर जाते हैं तो उनकी माँ ही उनके बाल बनाया करती है। मूसेवाला की माँ हमेशा कहती थी कि वो एक सिख है, उन्हें हमेशा अपने बालों की केयर करनी चाहिए। और विडंबना देखिए, उनकी अंतिम यात्रा से पहले भी उनकी माँ ने ही उनके बाल बनाए। अपनी माँ की सीख को मानते हुए सिद्धू मूसेवाला अपने फैंस को भी हमेशा केशों का महत्व बताते। उनकी पगड़ी ट्रेंड बन गई थी। सिद्धू मूसेवाला के फैंस उनके स्टाइल को काफी फॉलो करते थे। एक इंटरव्यू में सिद्धू के पिता ने हमें बताया था कि लुधियाना से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद सिद्धू मूसेवाला ने कभी भी उनको पैसों के लिए परेशान नहीं किया। वो सॉन्ग लिखते और अपने खर्चे के लिए सॉन्ग्स बेच देते थे। बुलंदियों तक पहुंचने के बाद भी कभी सिद्धू मूसेवाला ने अपने जेब में पर्स नहीं रखा था। कभी पैसों की जरूरत होती थी तो मुझसे मांगा करता था। सिद्धू हमेशा पैर छूकर और मुझसे परमिशन लेकर ही बाहर जाता था। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा आज्ञाकारी बच्चा एक छोटे पिछड़े हुए गांव जहां बसेस तक नहीं चलती थी, वहां से निकलकर सिर्फ 28 वर्ष की आयु में दुनिया का इतना बड़ा हिप हॉप आर्टिस्ट कैसे बन गया? और तो और, इतने आज्ञाकारी इंट्रोवर्ट शाय से बच्चे ने इतनी दुश्मनी कैसे कमा ली? जानने के लिए सुनते रहिए नेक्स्ट एपिसोड।